हेलो एंड वेलकम बैक टू ललिता मन्हास चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं करेले। करेलों के नाम पे बहुतों के नाक चढ़ जाते हैं, खासकर बच्चों के। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके बहुत से फायदे हैं, इसलिए इसे हमें अपनी डाइट में जरूर ही इंक्लूड करना चाहिए। जैसे ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इट ट्रीट्स डायबिटीज, इट मैनेजेस ब्लड शुगर एंड इट हैज न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इट इज ऑल्सो गुड फॉर आर हेयर, आईज एंड स्किन। और ये साथ ही साथ बहुत सी लिवर प्रॉब्लम्स को भी हील करता है। तो चलिए बनाते हैं करेले। लेकिन आज मैं जो करेले आपको सिखाने जा रही हूँ वो कुछ हटकर हैं। आमतौर पर हम करेले कैसे बनाते हैं? आमतौर पर हम करेले छील कर, नमक लगा कर और उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। लेकिन आज मैं जो आपको रेसिपी सिखा रही हूँ वो मेरी माँ की सिखाई हुई रेसिपी है। बचपन में मैंने उन्हें बनाते हुए देखा था और ये रेसिपी में हमें छीलने की जरूरत नहीं है, इसको हम सीधा छिलकों के साथ बनाएंगे। और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा एक कुकर। लेकिन कुकर किस लिए चाहिए ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले चलो देख लेते हैं करेले बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेंगे हम करेले। इनको सबसे पहले आप अच्छी तरह से धो लीजिए। मैंने इन्हें धो लिया है, करेलों को अच्छी तरह से धो लेना है और इनको हमने छीलना नहीं है। इसको हम ये डंठल निकालेंगे इसका आगे और पीछे का, और सेंटर में एक चीरा लगा देंगे इस तरह से। और अगर आपके बीज पके हुए हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं। और अगर कोमल हैं तो रख सकते हैं। मैं इसी तरह से सब में चीरा लगाऊंगी। ये देखिए, आप इसका गुदा निकाल के मसाले में भी पीस सकते हैं। मैंने आगे पीछे से निकाल दिया, बीच में कट लगाया। अगर आपको बीज मोटे लग रहे हैं तो निकाल दीजिए। मैं इनका गुदा बीच में मिक्स कर देती हूँ, ऐसे कर मसाले में ही डाल लूंगी और अच्छे बन जाएंगे। जो पके हुए बीज है वो मत डालिएगा, जो सॉफ्ट है पर वो डालिए। काटने के बाद इसको ध्यान से देखिए, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। कई बार करेलों में कीड़े भी होते हैं। से करेला जुड़ा रहना चाहिए ताकि हम उसमें अपना मसाला भर सकें। इस तरह से मैंने सब करेलों में कट लगा लिया है। अब हम करेंगे मसाला तैयार। अब करेलों में क्योंकि हमने इसको छील के नमक नहीं लगाया है तो मैं इनको थोड़ा सा नमक लगा के रख दूंगी जब तक हम अपना मसाला तैयार कर रहे हैं, ताकि इसके बाहर भी नमक हो जाए। करेलों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। हम इनसे रख देते हैं एक साइड पे। अब हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले के लिए ये अगर आप गुदा डालना चाहो, ना डालना चाहो तो भी ठीक है, अगर डालना चाहो तो भी ठीक है। इसमें मैं डालूंगी प्याज। मैं इनके लिए ले रही हूँ दो प्याज।
डालूंगी लगभग 1 टीस्पून लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून सौंफ, मोटी वाली सौंफ जो हम अचार में डालते हैं। साथ ही मैं डालूंगी गरम मसाला, ये पंजाबी गरम मसाला है, इसे मैं घर में ही पीसती हूँ, बाजार वाला मसाला मैं यूज नहीं करती हूँ। साथ ही डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ नियर अबाउट 1/2 टीस्पून, और साथ ही मैं ऐड करूंगी इमली लगभग इतनी। इसमें आप अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली का टेस्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इमली का प्रयोग कर रही हूँ। इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं और इसको भिगोने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे डाल सकते हैं। और साथ ही डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। मैंने मसाला लिया है पीस, अब मैं इसे और मैं निकाल लूंगी। अब मैं लूंगी एक पैन, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, बिल्कुल थोड़ा सा तेल चाहिए हमें। तेल गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, नियर अबाउट 1/2 टीस्पून, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए हमें। और साथ ही साथ में डालूंगी हींग, चुटकी भर हींग। अब इसमें ये मसाला डाल के मैं थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस करना चाहूंगी, क्योंकि प्याज में पानी काफी होता है तो उससे मसाला करेलों से बाहर आ जाता है, तो इसीलिए इसको एक तो थोड़ा पक जाएंगे और हर सब में पानी रिड्यूस हो जाएगा। कहते हैं कि सच्चे दोस्त जो होते हैं वो मुंह पे हमारी बुराई करते हैं, जो हमारे में बुराई होती है वो मुंह पे बताते हैं, उस देखने में बहुत कड़वे लगते हैं लेकिन होते वो हमारे सच्चे दोस्त हैं। इसी तरह से करेले होते तो बहुत कड़वे हैं लेकिन ये भी हमारे सच्चे दोस्त हैं। इसमें इतने सारे फायदे हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हमें करेले खाना जरूरी है। मसाला भूनने के बाद हम इसे ठंडा करेंगे और करेलों में भरेंगे। लीजिए हमारा मसाला हो चुका है तैयार, अब हम इसे पहले थोड़ा ठंडा होने देंगे। मसाला हो गया है हमारा ठंडा, अब हम इसे करेलों में भरेंगे। करेले लेते जाइए, मसाला भरते जाए।
हमारे करेले भरकर तैयार हैं। अब हमें चाहिए कुकर। इन करेलों को हम डालेंगे कुकर में, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हमें कुकर में पानी नहीं डालना है। पानी डालिए, उसमें पानी रहने नहीं देना है, हिलाइए और पानी गिरा दीजिए। उसके बाद इसमें सारे करेले अरेंज कर दीजिए। अब ढक्कन कर दीजिए बंद, परंतु इसकी विसल उतारना ना भूलें। हमें स्टीम में पकाना है, उसको विसल नहीं लगानी। और गैस कर देते हैं ऑन। इसको थोड़ी देर हमने स्टीम देना है, उसके बाद इसे हमने निकाल लेना है। इसको बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, जल्दी हम उतार लेंगे 2-3 मिनट में। हमारे करेलों में स्टीम लग गई है, अब मैं इसे नीचे उतारूंगी। गैस कर देती हूँ बंद, लेकिन ध्यान रहे जब आप कुकर गैस पे रखें तो गैस सिम पे होना चाहिए, और नहीं तो इसके जूसेस जो निकलेंगे करेले में से वो सूख जाएंगे और करेले जल जाएंगे। इसीलिए सिम पे होगा तो ये अपने ही जूसेस में पक जाएगा। अब हम करेले बाहर निकालेंगे, लेकिन हम इसे डायरेक्ट फ्राई नहीं करेंगे, इनको हम होने देंगे थोड़ा ठंडा। आप इसमें कच्चा मसाला भी डाल के कर सकते हैं, मैंने भून लिया है। अब पहले हम इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर उसे हम फ्राई करेंगे। ये हो गए हैं बिल्कुल ठंडे, अब हम करेंगे इसे फ्राई। मैं ले रही हूँ एक पैन, शैलो फ्राई करेंगे। इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। करेले हमेशा सरसों के तेल में ही अच्छे लगते हैं, टेस्ट उनका सरसों के तेल में ही आता है। अगर कोई सरसों का तेल नहीं खाता है तो अपनी पसंद के तेल में फ्राई कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना। जैसे कि आपने देखा मैंने मसाले में भी मेथी दाना डाला था, अगर आप लोग मेथी दाना न डालना चाहे मसाले में तो मत डालिए। थोड़े से मेथी दाना, 1/2 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत सुंदर अच्छा आता है। थोड़ी सी हींग। तेल हो गया है हमारा गरम। करेले फ्राई करने से पहले थोड़ा सा मसाला अंदर को प्रेस कर लें, इसे धागा बांधने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे, ये देखिए इस तरह से मैंने मसाले को अंदर प्रेस कर लिया है। और इसको उल्टा रखिए, मसाले कट वाली साइड नीचे रखेंगे तो वो सील हो जाएगी, ये भी मेरी मम्मा ने बताया था मुझे। सारा मसाला अंदर को प्रेस करते हुए और अगर आप धागा बांधना चाहें तो धागा बांध लीजिए, लेकिन सर्व करते हुए धागे को निकाल दीजिए।
थोड़ा धीमी आंच पे रखेंगे इसको, मीडियम आंच पे। एक साइड से पक जाए तो उसे पलटा दीजिए। इसको ढक के पकाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे भी पका सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही फ्राई हो चुके हैं, पक चुके हैं। हमारे करेले फ्राई हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल नहीं निकला इनका बाहर। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। बिना छीले करेले बनकर तैयार हैं। इसे आप चपाती, परांठा या पूरी के साथ खा सकते हैं, लेकिन साथ में दही भी होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छा लगेगा। दही नहीं तो लस्सी के साथ खा सकते हैं। और एक मज़े की बात बताऊं, मुझे ये करेले चपाती और आम के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये भी मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, मस्त रहिए, परंतु तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू माँ।